इलेक्शन का वक्त है असेंबली के और इलेक्शन के वक्त है तेजी से कैंपेनिंग हो रही है। मजलिस इत्तेहादी मुस्लिमीन की जानिब से सदर मोहतरम मेरा और आपके सदर मोहतरम नकीब मिल्लत ऐसी साहब ने कहा कि मजलिस इत्तेहादी मुस्लिमीन के जान नुमाइंदे हैं उनकी तायीद पढ़िए और जहां पर मजलिस इत्तेहादी मुस्लिमीन के नुमाइंदे नहीं है वहां से मामों की तारीफ करिए। और गुलशाह असेंबली इलेक्शन में भी सदर मोहतरम की हिदायत हुई हमको कि मामों की तारीफ करने के लिए हमने भरपूर तारीफ किया भरपूर तारीफ की जैसे कि हम इलेक्शन में ठहरे हैं पूरे ऐसा पूरी तरह जैसे उनका साथ दिया और उन्होंने खुद इस चीज को एक्सेप्ट करके पूरी कॉन्फ्रेंस में बड़ी पहली पूरी परसेंटेज में मेजोरिटी का सबसे ज्यादा है बल्कि कल मैं बहुत शुक्रिया अदा करें। और उसके अंदर पूरी गुजरात कॉन्फ्रेंस के अंदर मजलिस इत्तेहादी मुस्लिमीन की बेहतरीन कारकर्दगी थी और पांच साल के गुजरने के बाद तीन साल का अर्सा गुजरा अच्छा गुजरने के बाद अभी पिछले दो साल से ये रामू के बच्चे इन्होंने साहब से कृष्णा राव साहब से इन्होंने एक आपस में लेकर के मजलिस इत्तेहादी मुस्लिमीन का कुछ नहीं है पूरी कॉन्फ्रेंस में मजलिस इत्तेहादी मुस्लिमीन को नजरअंदाज किया जा रहा है उनका कुछ नहीं है ना उमर भाई का कुछ है ना मजलिस इत्तेहादी मुस्लिमीन का कुछ है और ये लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। और ये लोग क्या करे ये बात बता रहे हिदायत के साथ की यह है कि मामू की तारीफ करना और मामू के बच्चों का यह जहन है तो अब उनको और ये मामू के बच्चे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हालात हाजरा जलसा मुनक्किद किया गया है। अगर चलो कुछ दो अल्फाज आज आप लोगों के सामने आ रखो तो हमारा मोमिन होने का फरीजा नहीं है जो आज मौजूदा हालात में पिछले 20 दिनों से फलिस्तीन पर जिस तरीके से बर्बरियत की जा रही है इज़राइल की जानिब से हम कुछ वहां जा सकते हैं कुछ कर सकते हैं बस ये तो कर सकते हैं सबसे बड़ा हथियार हमारे पास है उन मजलूमों के हक में दुआ कर सकते हैं। दुआ एक ऐसा हथियार है जालिम इज़राइल पिछले अस्सी साल से ज्यादा की कर रहा है और उन लोगों से कर रहा है जिन्होंने इस इज़राइल को इन यहूदियों को इसके बाद मैं मोहम्मद सिराज साहब से दरखास्त करता हूँ कि वो आ गया है। इसके बाद मैं मोहम्मद खाजा साहब से दरखास्त करता हूँ कि वो आ गया है। इसके बाद मैं अली जनाब शेख आसिफ साहब से दरखास्त करता हूँ कि वो शेख से जानी वाले शेख आसिफ सैयद साहब ये तमाम नौजवान दिगर सियासी जमातों से छोड़ करके मजलिस की कारकर्दगी और नुमाइंदगी से मुतासिर होकर मजलिस में शामिल हो चुके सैयद साहब से दरखास्त करना चाहिए। इसके बाद मोहम्मद अनवर साहब से दरखास्त करता हूँ कि आज
इसके बाद मैं दावा देता हूँ शेख तालिब शेख तालिब की जमात का धन्यवाद देना चाहते हैं उनके जमात के शामिल किया जाए। उसके बाद अतुल को दावा देता हूँ कि वह आए हमने आप कृष्णा राव की आंख में आज साल कर हमने बोला आप ताईक का हम आपकी ताईक करेंगे उन करेंगे तो थोड़ी दुर्गत पुलिस बैंसिस का भी कोई थोड़ी पुलिस जिंदा में रहेंगे हमारे अफगानिस्तान का जो बाकी अधूरा काम है 50-60 लाख रुपए की फर्शी और कंपन वाले का काम है ये काम कर रहा ना मुसलमानों की हिफाजत फरमा ए अल्लाह जिससे भी वहां शहीद इसके बाद मोहम्मद यासर आलम